Assalamu alaikum, respected student. I hope that you all are good and doing well in your life. Today I am going to discuss the chapter phonetics and we are going to discuss it thoroughly. आज हम phonetics को पढ़ेंगे और phonetics को हम पूरी तरीके से discuss करेंगे, इसके basic concepts के बारे में पढ़ेंगे, English sounds जो इसके अंदर include होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम English को पढ़ते हैं as a language. हम पढ़ेंगे कि phonetics है क्या असल में, अगर question आ जाए what is phonetics और branches of phonetics. फोनेटिक्स को थोरली कवर करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे. जो बुक मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल और ये लिखी है डॉक्टर मुंतज़िर अहमद और खालिद मुंतज़िर ने. सो ये बुक बहुत इजी है और जो बेसिक्स पढ़ रहे हों अभी, यानी कि लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हों, तो उसका सेकेंड चैप्टर है ये फोनेटिक्स. अब फोनेटिक्स होता क्या है? फोनेटिक्स ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, मतलब लिंग्विस्टिक की एक सब फील्ड है फोनेटिक्स, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं साउंड को. साउंड क्या होती है? कोई भी आवाज़. फोनेटिक्स हम कह सकते हैं कि फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द साउंड विच ह्यूमन प्रोड्यूस. वो साउंड जो इंसान प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं. अब हम इसको तीन तरीके से साउंड्स को पढ़ते हैं. अब हम किस तरह से साउंड्स को पढ़ते हैं? तीन तरीके से पढ़ते हैं. एक हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल कि साउंड प्रोड्यूस किस तरह हुई, मतलब जो हम साउंड यूज़ कर रहे हैं मैन MAN, यानी कि तीन साउंड इसके अंदर जो यूज़ हो रही हैं वो हमने किस तरह से प्रोड्यूस की, और MAN मैन ही क्यों बनाता है, ट्री क्यों नहीं बना देता, तो क्या प्रोडक्शन का सिस्टम है, वो पढ़ते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि साउंड्स किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं. अब मेरी आवाज़ आप तक किसके थ्रू पहुंच रही है, मतलब वेव्स के थ्रू पहुंच रही है. साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है. ये चीज़ें फिज़िक्स के अंदर पढ़ी जाती हैं, तो ये भी एक तरीका है साउंड्स को पढ़ने का. इसको प्रोडक्शन को आर्टिकुलेटरी कहते हैं, मतलब आर्टिकुलेट करना, और एक्विजिट का मतलब है कि किस तरह ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह ट्रैवल करता है. अब साउंड जब प्रोड्यूस हो गई और एक जगह से दूसरी जगह जाने के काबिल हो गई, तो वो रिसीव किस तरह होती हैं, यानी कि ऑडिटरी, हमारा ऑडिटरी सिस्टम, या हाउ ये मेडिकल की फील्ड है, मतलब कान किस तरह से उसको सुनता है, रिसीव करता है, और दिमाग में उसको किस तरह से प्रोसेस करता है, ये हम इस फील्ड के अंदर पढ़ते हैं. तो फोनेटिक्स तीन फील्ड के अंदर डिवाइडेड है. अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होता है? व्हाट इज़ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स विच डील विद द आर्टिकुलेशन या प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब साउंड प्रोड्यूस किस तरह होती है, हम ये इसके अंदर पढ़ते हैं. अब साउंड क्या होती है, ये कितनी तरह की साउंड्स होती हैं इंग्लिश के अंदर? तो इंग्लिश के अंदर दो तरह की साउंड्स होती हैं, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं और एक वोवल साउंड्स होती हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती हैं नंबर के अंदर, और वोवल साउंड 20 होती हैं. हालांकि वोवल्स कम हैं, ए ई आई ओ यू को वोवल्स कहते हैं, और बाकी तमाम साउंड्स जो हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट पी ए पी बी सी डी, ये तमाम जो हैं ये कॉन्सोनेंट के अंदर आती हैं. ए ई आई ओ यू वोवल्स के अलावा जितनी भी साउंड्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, वो तमाम की तमाम कॉन्सोनेंट के अंदर आती हैं. अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं? कॉन्सोनेंट साउंड वो होती हैं जो एयर फ्लो को रोकती हैं. जब आप साउंड पी या वर्ड बी बोलते हैं, तो आप नोट करेंगे कि जो आपके लंग्स के अंदर से हवा बाहर निकल रही होती है, वो रुकती है मुंह के अंदर फिर बाहर निकलती है. लेकिन जब आप वोवल साउंड बोलते हैं या ए ई आई ओ यू, तो आपके मुंह में साउंड नहीं रुकती, मतलब लंग्स से निकल के फौरन ही बाहर निकल जाती है मुँह से. अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो मुंह के अंदर, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और अगर मुंह के अंदर साउंड ना रुके, जैसे ए ई आई ओ यू में नहीं रुकती, तो वो वोवल साउंड्स है. अब फोनीम जो है एक टर्म है, यूज़ होती है फोनेटिक्स के अंदर. अब फोनीम क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट ऑफ साउंड फोनीम कहलाया जाता है. फॉर एग्जांपल ए ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तमाम फोनीम्स हैं. अब फोनीम के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि लेटर जो पी है, अगर उसको ऐसे बार्स के बीच में रखें, तो वो साउंड पी को रिप्रेजेंट करता है. अब ये वाले जो हाइफन्स इनको बोलते हैं, या स्लिट्स इनको बोलते हैं, ये स्लिट्स के बीच में जब अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है, तो वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है. अगर फोनीम के अंदर कोई भी ऐसे वर्ड हो गए जिनके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एच के टी के साथ एच की साउंड आ गई, तो वो
एलोफोन्स और एलोफोन्स कहलाए जाते हैं। एलोफोन्स एक पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एलोफोन्स, तो एलोफोन्स वो होते हैं कि जिनके अंदर एच की साउंड हर लेटर के साथ मिल के आती है, द द के अंदर टी और एच साथ मिल रहे हैं तो ये एलोफोन्स में आता है। अब सिलेबल क्या होता है, एक मूवमेंट ऑफ टंग को सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोनीम एक साउंड होती है, अ ब स, ये फोनीम है, लेकिन जब हम साउंड इन साउंड्स को मिला देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम म अ न को मिलाएं तो मैन बनता है, और जब हम मैन बोलते हैं तो वो एक सिलेबल बनता है। मैन जब आप बोलते हैं तो आपकी ज़बान एक मूवमेंट लेती है, उसको एक मूवमेंट को हम सिलेबल कहते हैं, मतलब एक मूवमेंट जो है वो सिलेबल है, लेकिन वो फोनीम से बड़ा लेवल होना चाहिए, मतलब तीन से चार फोनीम या दो फोनीम हो तो सिलेबल बनता है। सिंगल अगर कोई साउंड अ ब स तो वो सिलेबल नहीं होता, वो फोनीम होता है, लेकिन जब अ ब स मिल जाते हैं तो वो सिलेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल मैन ली नेस, अब इसके अंदर तीन मूवमेंट ऑफ साउंड हैं तो तीन सिलेबल इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर से अगर इस फॉर्मूले को देखें तो दो कॉन्सनेंट्स की साउंड और एक वोवल की साउंड आपको मिलती है। अब व्हाट इज आर्टिकुलेटर्स, आर्टिकुलेटर्स भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है। आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन होते हैं जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लिप्स, टीथ, नोज, पैलेट। स्ट्रेस क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं तो कुछ लफ्ज़ों पे हमारा ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स होता है, ज़्यादा हम अपना सांस वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसको ज़्यादा ऊंचे अंदाज में बोलते हैं, वो जगह स्ट्रेस कहलाई जाती है, और जिस जगह हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते वो जगह अनस्ट्रेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सेंटेंस बोलता है आई हैव अ बुक, अब बुक आपको पता है कि यहाँ पे आप बताना चाह रहे हो कि आपके पास क्या है, बुक है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं वो बुक बताने पे कर रहे हैं। आई हैव तो आप आराम से बोल रहे हैं और बुक के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, बुक है। इसी तरह फादर, फादर के अंदर जब आप फ पूरा बोल रहे हैं और उसको फोकस कर रहे हैं और बाकी दर आपने उसको एक ही उसमें बोल दिया, तो फादर का फ जो है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेस है। अब क्वेश्चन आ जाए अगर व्हाट इज़ फोनेटिक्स, तो यहाँ पे फोनेटिक्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है कि फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, इसको हम इस तरह और फोन्स और फोनीम्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फोनीम्स ये होते हैं कि कोई भी साउंड या लेटर जो अल्फ़ाबेट का हो गया, ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल हम बात ही सिर्फ इंग्लिश की कर रहे हैं यहाँ पे, हम उर्दू या हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को फोकस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पी लेटर है वो प की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम उसको ऐसे दो स्लैश, ऐसी दो स्ट्रिंग लाइंस के बीच में लिखते हैं तो वो साउंड ऑफ प बना देता है। अब फोन्स एक्चुअल साउंड होती है जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, एक सिस्टमेटिकली अल्फ़ाबेट बना दिए गए ए बी सी डी, लेकिन ए की कितनी तरह की साउंड्स निकलती हैं, अब जो ह्यूमन ए की जितनी तरह की एक्चुअल साउंड्स निकालते हैं उनको फोन्स कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि फोनेटिक्स के फंक्शन क्या हैं, तो उसके थ्री मेजर फंक्शंस हैं जो मैं आपको बुक से बता रही हूँ, ये ऑथेंटिक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोनेटिक्स है उसके एक फंक्शन तो ये है कि ये क्लासिफिकेशन करता है और प्रोडक्शन करता है साउंड की, बताता है कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं और कितनी चीज़ों में डिवाइड हो रही हैं। जैसे कि इसने बताया कि दो तरह की साउंड्स होती हैं, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, एक वोवल साउंड्स होती हैं। उसके बाद वो बताता है कि कॉन्सोनेंट भी कौन कौन सी साउंड होती हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी साउंड्स आती हैं, और वोवल के बारे में भी वो एग्जैक्टली सेम बताता है। इसके बाद वो बताता है डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड करता है, कॉन्सोनेंट और वोवल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो बताता है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं उनके तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक उनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को देखना पड़ता है, फिर उनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को देखना पड़ता है, और फिर वॉइस्ड और अनवॉइस्ड को देखना पड़ता है। इनको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये इस वक्त ज़रूरी नहीं है, आपसे पूछे नहीं जाएंगे। वोवल के अंदर दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक फ्रंट बैक, मतलब ये टंग की मूवमेंट पर डिपेंड करता है, और एक पैलेट की मूवमेंट पर डिपेंड करता है जो कि क्लोज ओपन होते हैं। इसके बाद फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड्स को करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि एक पी वर्ड, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिखा हुआ होता है, शायद इन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई हो, जैसे कि एस एच आई पी शिप वर्ड है, अब शिप वर्ड को इस तरह लिखना ये ट्रांसक्रिप्टिव फॉर्म है, और ये एक सिस्टम है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सिस्टम है, पूरा प्रॉपर स्पेशल सिस्टम है जो सिम्बल्स देता है साउंड्स को, मतलब साउंड्स को सिंबल देना ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसके बाद तीन मेन एरिया के अंदर हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स को,
पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिकुलेटरी मैनर के अंदर पढ़ते हैं। आर्टिकुलेटरी ये बताता है कि साउंड प्रोड्यूस किस तरह होती है। फिर एक्विजिटिक ये होता है कि वो ट्रांसमिशन किस तरह करती है, साउंड वेव किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर ऑडिटोरी ऑडिटरी होता है जो कि बताता है कि साउंड किस तरह से लिसनर के पास पहुंच रही है। यही इसकी तीन टाइप्स हैं, यही तीन इसकी फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं और यही तीन इसकी ब्रांचेज भी हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि फोनेटिक्स की ब्रांचेज कौन सी है, आपने यही तीन लिखनी है। टाइप्स पूछ ले, आपने यही तीन लिखनी है। और अगर वो पूछे कि फोनेटिक्स की फील्ड ऑफ स्टडी कितनी है, तो आपने यही लिखनी है। अब आर्टिकुलेटरी जो होता है उसके अंदर जो जो ऑर्गन्स आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनकी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। इसी तरह अगर कोई पूछ ले एक्विजेटिक फोनेटिक्स क्या होता है, तो आप उसको बताएंगे कि साउंड एक जगह से दूसरी तरह किस तरह ट्रैवल करती है। आप उसको पिच के बारे में बताएंगे, मतलब टून का ऊंचा होना, टून का नीचा होना। फिर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे और साउंड की एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। अब ऑडिटोरी के बारे में अगर वो पूछ ले आपसे, तो किस तरह लिसनर जो है या उसका ह्यूमन एयर किस तरह से फंक्शन कर रहा है और दिमाग उसको किस तरह से इंटरप्रिट कर रहा है, ये तमाम चीज़ें ऑडिटोरी में आएगी। अब ये कुछ साउंड्स मैंने जो बुक्स के अंदर उन्होंने दी हुई थी, तकरीबन सारी कॉन्सोनेंट और उसकी दी हुई है। अब सिंबल क्या है, सिंबल पी है। साउंड उर्दू में पे की निकाली है, प की। अब पिन, पैड और प, यानी कि ये साउंड आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ज की साउंड इन्होंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट की है और च की साउंड इन्होंने इससे की है। इसी तरह थ की इस तरह की है और ज द की इस तरह की है, श की इस तरह की है, स की इस तरह की। अब ये सिंबल सिस्टम है, ये आपको पूरी अच्छी तरीके से याद करना होगा, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए अगर आप लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं। इसी तरह वोवल्स की साउंड जो है उन्होंने वो बताई है। वोवल्स की तीन तरह की साउंड होती हैं, मोनोथोंग्स, डिपथोंग्स और ट्रिपथोंग्स। मोनोथोंग्स वो होते हैं कि जिनके अंदर एक वोवल यूज़ किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल सीट, नीट, फीट, सिट, बिट। अब ये डिफरेंट वोवल्स हैं सारे के सारे, जैसे कि ये य की साउंड निकाल रहा है, ये जेर वाले आई की आई, ये वाला आई जो साउंड है ये जेर की साउंड निकाल रहा है, लेकिन ये सिंगल साउंड निकालेगा। डिपथोंग वोवल्स वो होते हैं जिनके अंदर टाइम, अब टाइम के अंदर दो तरह के वोवल्स की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे डिपथोंग इसको कहते हैं। और ट्रिपथोंग्स वो होते हैं जिनके अंदर तीन तरह की साउंड आ रही होती है। ये प्रैक्टिस के लिए एक सिस्टम भी मैंने आपके लिए अपलोड किया, आप इसको देख लें। अगर आपको फोनेटिक्स समझ आ गया है, कोई भी मुश्किल है अभी भी स्टिल आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और ये वाले जो नोट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, ये PDF की सूरत में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये मैंने कैम स्कैनर से इनकी पिक्चर खींची है ताकि आप इनको अच्छे तरीके से प्रिंट भी निकाल सकें। मतलब जब आप इन नोट्स का, इस PDF का प्रिंट निकालेंगे, तो वो ब्लैक नहीं निकलेगा बल्कि वो प्रिंटेड निकलेगा। अगर आपको सिर्फ ये चैप्टर चाहिए, तो आप इस चैप्टर को यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, वरना आप ये बुक ले लें। ये बेहतरीन बुक है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, और ये लिखी है डॉक्टर प्रोफेसर खालिद मुमताज़ ने और मुमताज़ अहमद ने। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ जाती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें।